बस विशाल यही रहने, यही रहने। आप सही है चाचा इतने छोटे। अरे खोपड़ी शंकर जी का कदो तना, मेरी इज्जत छोटी कर दे तना। ऐसे भी तुम्हारी इज्जत कौन सी बड़ी है चाचा। हाँ सही बात है। डाकू कैसे मालूम पड़ी मेरी इज्जत छोटी है। और इन्हें तो मेरे जादू पर विश्वास ही नहीं था। हाँ विशाल बेटा पूरा पूरा विश्वास है वो टोपे। तारे मोटे मैंने तेरा का बिगाड़ा है जो तो इतनी खुशी है रही है। बात तो सही है चाचा, आपने तो मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। कल मैं तो ऑर्डर दे रहा हूँ जाते के मुँह बड़ो करे। ऑर्डर? अच्छा पिंटू बेटा हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब तो मेरी इज्जत बड़ी करा दे। हाँ अब ठीक है। ओ विशाल चाचा का बड़ा कर दे, चाचा को बड़ा कर दे। पिंटू भाई चूहा बड़ी मुश्किल से पिंजरे में आया है, इन्हें कतई बड़ा नहीं करूंगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा चाचा को बड़ा करने के लिए। इसका मतलब पूरा जादू नहीं आता तुझपे। अच्छा ये बात है, एक बार रुको अभी बड़ा करके दिखाता हूँ। का है वो? चेहरा कैसे उतर गो तेरो? का है वो? इसमें आगे का पेज फटा हुआ है। क्या? मैं आगे का पेज फटा हुआ है। तो ऐसा करते हैं जहाँ से तूने किताब खरीदी ना चाचा को वहीं लेके चलते हैं। क्यों चाचा? हाँ पिंटू भैया तुम ये सही कह रहे हो, वहीं ले चलते हैं। मोडो का के ले चलियो, मोहल्ला में कौन देख लो तो मेरी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। अरे यार इनकी एक नई कहानी है, अब इन्हें छुपा के ले चलो। आइडिया अभी आता हूँ। दम घुट रो पिंटू। ओए आराम से। चाचा चाचा आवाज मत करियो ठीक है। पिंटू भैया। हाँ पूरा मर गो रे। सॉरी चाचा। हाँ बोल क्या बात है। ओह नो। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। रे चले क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसे ही टाइम पे सवाल सूझ रहा जा नौटंकी है। बहन के तैयार तुम दोनों जने मिलकर मेरी जान ले लोगे। अरे क्या कर दो तेने? पूरा मेरी खोपड़ी में लग गई बट्टे। चाचा आवाज मत करो पता चल जाएगी सबन ने। अब मैं बेहोश रह रहा हूँ धीरे धीरे। ओह नो। बेहोश रह है जाओ, हल्ला मत मचाओ छोटे से चाचा। या, बाबा तो यहाँ बैठते अब तो है ना यहाँ। अब कहाँ गए? तो पूछ ले बात पूछ ले रहे भाई साहब। अरे भाई साहब बाबा देखे। ओह नो। क्या हुआ भैया? जब से मैंने होश संभालो है मेरे बाबा तो भगवान को प्यारे है गए, लेकिन मैंने अपनी अम्मा को तो देखो है एकदम गोल चश्मा लगाती हैं। ओह नो। अरे यार हम तुम्हारी अम्मा बाबा के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर जो किताब बेचते हैं उन बाबा के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा इन बाबा के बारे में बात कर रहे हो। हाँ भाई साहब ये बाबा तो सीजन के हिसाब से बैठते हैं, अब तो तुम्हें 6 महीने के बाद ही मिलेंगे। ओह नो। अरे यार ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। हाँ अरे कोई जादू फादू उल्टा सीधा हो गया क्या? हाँ लेकिन तुमको कैसे पता? मेरे पास तुम्हारे जैसे और भी आ चुके हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, काले जादू का भी हल है। हाँ भाई क्या है हल? गांव भदेसी में पवन के खेत में एक बाबा रहते हैं, उनके पास हल है। क्या नाम है उस बाबा का? नाम है बाबा केड़ी। अच्छा ठीक है। नाम है बाबा कैड़ी और मैं हूं बहुत लेड़ी।
मेरी जान लुरीना, कितनी हॉट हो तुम, कितना स्मार्ट हूँ मैं, मुझसे शादी करके बन जाओ ना मेरी हमदम। हतोगा बाबा कैडी, तुम चलो, बाबा आता है एक पप्पी लेकर। नाम है बाबा कैडी और मैं हूँ बहुत लैडी। बाबा कैडी कम नशेड़ी ज्यादा लग रहे हैं। बाबा के टैलेंट पर शक। बाबा काले जादू तो हमारे चाचा छोटे है गए हैं, लेकिन अब बड़े ना हो पा रहे हैं। बाबा का बड़ा करेंगे, बाबा तो कुछ चपूसिया से लग रहे हैं। संतान घाट के मुर्दे, बाबा चाहे कितना है भी ली सही, चाहे कितना चपूसिया सही, लेकिन बाबा के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। बाबा कसम है आपको, आपके उसी टैलेंट की मेरे चाचा को बड़ा कर दूं। तो सुन बालक, जब मैं कहूं जब इस कट्टे को खोलना, ठीक है? ओके बाबा गंजेड़ी। ओए गंजेड़ी मत बोल, तेरे एक बार की समझ में नहीं आता, इधर देख, दिखता नहीं? कैड़ी बोल, कैड़ी। लैड़ी भी चल सकता है। कहां गया मेरा पेला? ओह ये ऐसे उतार दे काला जादू, चल खोल कट्टे को इसको। अब ओए चाचा बड़े गए पहन के तैयार, अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें काला जादू। पाखंडी मैं तो बड़ा है, वो छोटा कर दूंगा सारे।